हेलो एंड गुड आफ्टरनून टॉल ऑफ यू सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है ना और गुड आफ्टरनून के साथ जो है आज की क्लासेस स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी थोड़ा सा रिवीजन वाला सेशन लेके चलेंगे क्योंकि दिवाली लगभग आ ही चुकी है और दिवाली आ ही चुकी है या आ रही है इस वजह से अभी बच्चे जो है वो नई चीज़ें पढ़ने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे वैसे भी टाइम भी बच्चों के पास अभी है नहीं थोड़ा साफ़ सफाई थोड़ा सजावट और थोड़ा शॉपिंग में बच्चे बिजी हैं और इस वजह से हम लोग भी थोड़ा सा रिविज़न को ले चलेंगे उसके बाद देखो अभी छब्बीस तारीख से लेकर आपका तीन तारीख तक जो है वो रिविज़न चलेगा और चार तारीख से फिर से नॉर्मल आपकी जो भी क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी यानी कि अभी जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग पोल का यूज़ नहीं करेंगे अभी पोल नहीं लगा रही हूं मैं ठीक है जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उनको फटाफट से हम लोग रिवीजन करेंगे हर एक क्लास में देखो होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं बच्चों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैं हमेशा देखती हूँ मेरी क्लास में बच्चे यही कमेंट करते कि मैम याद कैसे रखें याद करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है रिविज़न करना बिना रिविज़न की आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते हो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं उनको फटाफट से रिविज़न करते चलेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना याद है और आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ लिया है क्वेश्चन सिर्फ लगा दिए हैं और याद कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो फिर एग्जाम टाइम पे दिक्कत आएगी देखो करंट अफेयर्स भाई जयश्री मैम ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लास का हो चाहे वो स्टैटिक जीके का हो सबका पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आगे यहां पर देखते हैं क्वेश्चन तो देखो ये मैंने ये क्वेश्चन एक बार तुमको कराया था अगर तुम्हें याद हो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे ये बात संविधान सभा की हो रही है सालों पहले की हो रही है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट right और माइनॉरिटी माइनॉरिटीज को लेकर यानी कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर जो एडवाइजरी समिति बनाई गई थी जिसके तहत एडवाइस दिया जा रहा था कि इनमें से आ, क्या क्या चीजें फंडामेंटल राइट्स के लिए सही है फंडामेंटल राइट right में क्या क्या होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या करना चाहिए प्रावधान ये सब चीजों को लेकर जो एडवाइस देने के लिए कमिटी बनाई गई थी उस कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके चेयरमैन कौन थे ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी के चेयरमैन थे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है है लेकिन फिर भी बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं तो मैं ये सोच रही हूं, मुझे पता है कि कुछ बच्चों का आंसर आज भी गलत होगा क्योंकि बच्चों ने रिविजन ठीक से नहीं किया है तो हम लोग इसीलिए रिविजन की सीरीज लेके अभी चलेंगे ध्यान देना इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है यह तुम्हें पता होगा और गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी तुमको गुजरात में ही मिलेगा ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी कहां पे मिलेगा तुमको गुजरात में मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार तुम लोगों को कराया है भले ही क्वेश्चन फॉर्म में ना कराया हो लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ ना कुछ हम डिस्कशन कर रहे होंगे और डिस्कशन के टाइम पे मैंने तुमको बताया होगा कि इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं यानी कि आ, हमारे पॉलिटी की किताब में ये जो उम्र सीमा है इक्कीस वर्ष से घटाकर कर अठारह वर्ष कर दी गई है ये मैंने डिस्कस कई बार किया है तुमसे जब ऐसा हुआ था ना इंडिया में पॉपुलेशन जो आज तुम देखते हो एक करोड़ पार उतना पॉपुलेशन उस समय पे नहीं था उस समय पे पॉपुलेशन था बहुत था लेकिन इतना नहीं था फिर भी जब पहले 21 साल वोटिंग एज था तो उस समय पे कम ही लोग वोट कर पाते थे जैसे ही इसको घटाया गया 21 से घटाकर 18 साल किया गया वोटिंग एज को वोटर्स की तादाद बढ़ गई अब वोटर की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है किस पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो वो इलेक्शन कमीशन पे पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन है हमारा सूचना आयोग है उस पर सॉरी निर्वाचन आयोग है उस पर बोझ पड़ेगा एक इंसान का काम ये है नहीं कि वो पूरे भारत का चुनाव संभाल ले क्योंकि लोग बढ़ गए हैं और उसी टाइम जब ये संशोधन हुआ उसके उसके कुछ समय बाद हमको देखने को मिला कि वोटिंग एज को घटाने के बाद जो निर्वाचन आयोग है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स को डाल दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया गया क्योंकि थोड़ा सा बोझ बढ़ गया था इलेक्शन करवाने थे और लोग बढ़ चुके थे इक्कीस वर्ष जब तक था तब तक तो ठीक था अठारह वर्ष करते ही लोगों की संख्या यहां पर बढ़ गई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सिक्सटी नंबर का संशोधन बहुत से बच्चों को संशोधन का मतलब समझ में नहीं आता है तो संशोधन का मतलब होता है सुधार क्या मतलब होता है संशोधन का सुधार होता है संशोधन का मतलब यानी संविधान में सुधार ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है रंग समिति का गठन क्यों किया गया था रंग समिति या रंगराजन समिति अलग अलग तरह की समिति अलग अलग समय पर आई जैसे कि टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड जो समिति आई उसका नाम था चेलिया कमिटी ठीक है ना चेलिया समिति टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था नरसिम्हम समिति नरसिम्हम समिति ठीक है ना ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड था उसी तरीके से एक था डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रंग राजन समिति डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था ये डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है देखो थोड़ा फास्ट लेके चलूंगी मैं ठीक है ना सेशन को क्योंकि रिविजन हम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो पोल जब मैं लगाती हूँ तो छूट जाते हैं क्योंकि पोल लगाकर मैं खड़ी रहती हूँ और फिर तुम लोग जो है उसको आंसर करते हो बहुत सारा डेटा उसमें छूट जाता है क्योंकि टाइम

इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी अब बोलोगे मैम ये रंगराजन समिति ना हमने गरीबी के कार, गरीबी के मामले में भी सुना है यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर गरीबी को भारत में कम करने को लेकर भी एक समिति है समिति थी जिसका नाम रंगराजन समिति था तो मान लो अगर ऑप्शन में डिस इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो तुमको पॉवर्टी रिडक्शन देगा तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी ये वाली समिति का गठन किया गया था तो ध्यान रखना डिस एंड पॉवर्टी रिडक्शन ठीक है एंड पॉवर्टी रिडक्शन समझ गए क्या गरीबी को कम करने के लिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है यह क्वेश्चन मैंने करा रखा है अगर बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है जो रैंक भारत का स्टील के प्रोडक्शन में है ना स्टील के प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है उसके बाद राइस के प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है राइस के प्रोडक्शन में स्टील के प्रोडक्शन में राइस के प्रोडक्शन में वही रैंक भारत का यहाँ पर रेशम के प्रोडक्शन में है सिल्क के प्रोडक्शन में यानी कि भारत दूसरे रैंक पर है इंडिया कौन से रैंक पर है दूसरे रैंक पर है चावल के प्रोडक्शन में भी चाइना पहले नंबर पर है स्टील के प्रोडक्शन में भी चाइना से आगे है भारत से आगे चाइना है सिल्क के प्रोडक्शन में भी भारत से आगे चाइना है पहले नंबर पर चाइना है दूसरे नंबर पर इंडिया है और दूसरे नंबर पर आना भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है दूसरे नंबर पर आना भी हमारे लिए क्या है एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पूरे दुनिया की बात हो रही है सिर्फ एशिया की बात यहाँ पर नहीं हो रही है दुनिया के अलग अलग कोने में जितने भी देश हैं सबकी बात यहाँ पर हो रही है कि सब में सबसे ज़्यादा सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है और चाइना करता है जिसमें चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकेंड नंबर पर है सिल्क के प्रोडक्शन को लेकर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं जिसको कहते हैं सेरी कल्चर क्या कहते हैं इसको हम लोग सेरी कल्चर इसको हम लोग कहते हैं ठीक है ना सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्क के उत्पादन से रिलेटेड है जो कीड़े होते हैं उनसे सिल्क बनता है पता होगा है ना जो कीड़े कैटरपिलर जैसे कीड़े रहते हैं उनके कु कौन से सिल्क बनता है इसका पूरा का पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है उसको कभी देखना छत्तीसगढ़ झारखंड साइड चले जाओगे ना तो तुमको ये देखने को बहुत मिलेगा महाराष्ट्र गुजरात छत्तीसगढ़ झारखंड वहाँ पर सिल्क के कीड़ों की जो फार्मिंग है वो की जाती है और उसके बाद में सबसे बेस्ट सिल्क मैंने बताया भी था तुमको बेस्ट क्वालिटी का सिल्क मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है बेस्ट क्वालिटी कौन से सिल्क का रहता है अगर ये पूछा जाए बोलना मलबेरी सिल्क मलबेरी रेशम इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट रहता है समझ गए मलबेरी रेशम की जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट रहती है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके ब्लड की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है निम्नलिखित में से किसके रक्त की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है uh, रक्त में अधिकता से होगा है ना ये ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ रक्त में होगा ये ब्लड में कौन से चीज़ की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को होता है ये सिंड्रोम ये जो बीमारी है ना ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है छोटे बच्चों को तुम ऐसा खाना या ऐसा पानी अगर पिला दोगे जिसमें नाइट्रेट है जिसमें क्या है नाइट्रेट है तो उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस है नाइट्रेट वाला खाना या नाइट्रेट वाला पानी अगर वो गलती से पी ले और कंटिन्यू पीते रहे या कंटिन्यू खाते रहे तो उनकी बॉडी में जो है ना नाइट्रेट जाकर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ठीक है और ब्लू बेबी सिंड्रोम में उनकी जो बॉडी है उसका कलर थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिखने लगता है इस ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक और नाम है उसको कहते हैं मिथेमोग्लोबिन यह दूसरा नाम है इस सिंड्रोम का ठीक है यह दूसरा नाम है जैसे हमारा अलग अलग नाम होता है ना घर का नाम कुछ और बाहर का नाम कुछ और तो सेम उसी तरीके से ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है मिथेमोग्लोबिन इसको याद रखना लेकिन ये होता किस वजह से है होता है नाइट्रेट नाइट्रेट की वजह से ठीक है यहां पर तुमको एक और चीज दिख रही होगी आयरन आयरन की जब बॉडी में कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है एनीमिया एनीमिया ठीक है या ऐसा कह सकते हो कि एनीमिया जब होता है तो बॉडी में आयरन की कमी होती है आयरन की कमी होगी तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो बॉडी में वीकनेस ज़्यादा होगा बॉडी अगर किसी का वीक हो रहा है वीकनेस ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है और स्टूडेंट्स में भी लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है हमेशा देखना लड़कियों और लड़कों का जो हीमोग्लोबिन मेजर किया जाएगा ना तो लड़कों में हीमोग्लोबिन लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ठीक है तो ध्यान देना एनीमिया आयरन की डेफिशियंसी होती आयरन की डेफिशियन्सी से होती है लेड के ज़्यादा पाए जाने से तरह तरह की एलर्जी हमको हो जाती है मान लो तुमने ऐसा कोई खाना ऐसा कोई चीज़ खा लिया ऐसा कोई पैक्ड फूड जो है वो तुमने बना लिया जिसमें लेड की मात्रा ज़्यादा थी तो तुमको कुछ बीमारी हो सकती है उसी तरीके से आर्सेनिक की मात्रा जब ज़्यादा होती है ना आर्सेनिक की मात्रा आर्सेनिक की मात्रा जब पानी में ज़्यादा होती है तभी भी ये बीमारी क्रिएट करता है ठीक है आर्सेनिक या मरकरी आर्सेनिक या मरकरी की मात्रा जब पानी में ज्यादा होती है तभी भी ये बीमारी को क्रिएट करते हैं ये भी याद रखना है नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य में विधान परिषद का प्रावधान बताता है यह मैंने क्वेश्चन करवाया था लेकिन बच्चे लोग जो है रिवीजन करने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं और क्योंकि तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो या ना के बराबर करते हो इसीलिए ये सेशन मैंने रखा है इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है जो जो हमने कर रखे हैं वो वाले अब तुम खुद देख लो तुमको कितना याद है और कितना तुमको याद करने का भी जरूरत है ठीक है भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसमें विधान परिषद मैंने पहले भी बताया है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है इंडिया के कुछ ही राज्य ऐसे है जहां पे जहां पे है। का गठन करना या ना करना ये पूरा पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन पर अगर जरूरत है तो ही विधान परिषद का गठन होगा नहीं तो नहीं होगा कुछ बच्चे विधान परिषद को राज्यसभा से कंपेयर कर देते हैं बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि राज्यसभा की क्या जरूरत है लोकसभा है है ना नेशनल लेवल पर स्टेट लेवल पर उसी तरीके से विधानसभा है तो स्टेट में विधान परिषद की क्या जरूरत है और अगर हर स्टेट में विधानसभा नहीं विधान परिषद नहीं है तो नेशनल लेवल पर राज्यसभा की क्या जरूरत है तो देखो विधान परिषद और राज्यसभा के पावर्स में ना जमीन आसमान का अंतर होता है राज्यसभा का जो पावर होता है उसमें कुछ पावर्स ऐसे भी होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं रहते राज्यसभा में कुछ ऐसे भी पावर्स है मैंने बताया भी था उन पावर्स के बारे में मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ये बात याद है मैंने ये बताया था तुमको <coughs> कि अगर कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है ना नया ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करना है जैसे अभी तुम्हारा यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें आई ऑफिसर बनते हैं आई ऑफिसर बनते हैं आई ऑफिसर भी बनते हैं ठीक है उसी तरीके का अगर नेशनल लेवल का कोई और दूसरा सर्विस अगर शुरू करना है तो उसमें राज्यसभा की परमिशन के बिना काम नहीं हो पाएगा ठीक है राज्यसभा की परमिशन के बिना उसमें काम नहीं हो सकता इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और विधान परिषद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है और विधान परिषद और राज्यसभा में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही जो पर्सन होते हैं जो लोग चुन के जाते हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है छह साल का रहता है कार्यकाल कितना रहता है जो यहाँ पर चुन कर जाते हैं विधान परिषद में कार्यकाल इनका छः साल का ही रहता है ये दोनों ये सिमिलैरिटी है राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी इसको थोड़ा सा याद रखना ठीक है यानी विधानसभा में अगर कोई पर्सन चुन के गया है तो उसका भी कार्यकाल छः साल का होगा नॉर्मली लोकसभा में देखोगे तो पाँच साल का कार्यकाल रहता है और विधानसभा में भी पाँच साल का रहता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ठीक है चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नेक्स है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस कमिटी ने करी थी इंडिया में अलग अलग समितियां बनाई गई थी जो कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना है या नहीं इसके बारे में सिफारिश कर रही थी यानी संवैधानिक निकाय इसको बनाना है या नहीं अगर बनाते हैं तो क्या फायदा होगा नहीं बनाते हैं तो क्या नुकसान होगा इसको लेकर यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया जा रहा था उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था और ये जो कमेटियाँ थी ये अलग अलग सुझाव देती थी एक कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति ने टू टीयर सिस्टम दिया था टू टीयर सिस्टम को अशोक मेहता कमेटी ने लागू किया था टू टियर सिस्टम ठीक है ना अशोक मेहता कमेटी ने क्या लागू किया था टू टियर सिस्टम थ्री टियर सिस्टम बलवंत राय मेहता ने मेहता कमेटी ने लागू किया था थ्री टियर सिस्टम जो है ये किसने लागू किया था ये बलवंत राय मेहता समिति ने लागू मतलब लागू क्या किया था सिफारिश की थी लागू करना ना करना तो खैर सरकार के ऊपर है सिफारिश इन्होंने करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने ठीक है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर थ्री टीयर सिस्टम को बहुत से राज्यों ने लागू किया और सबसे बेस्ट जो है वो थ्री टीयर सिस्टम ही होता है सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट गवर्नेंस तुमको थ्री टीयर सिस्टम के अंडर ही देखने को मिलेगा कुछ राज्यों में तो फोर टीयर सिस्टम भी है इंडिया में कुछ राज्यों में पंचायती राज सिस्टम ही नहीं है ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है पंचायती राज वाला कुछ राज्य भारत में ऐसे भी हैं ठीक है बाकी ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा हनुमंत राव कमेटी भी तुमको पंचायती राज से जुड़ा हुआ ही मिलेगा हनुमंत राव कमिटी ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हनुमंत राव समिति जो है वह किस वो किससे संबंधित है तो याद रखना पंचायती राज सिस्टम इंडिया में पूछेगा कि जो सेवेंटी थर्ड वाला संशोधन हुआ था उस संशोधन के बाद भारत में कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लागू किया था तो वो था मध्य प्रदेश सेवेंटी थर्ड नंबर का जो संशोधन हुआ था उसके बाद भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था तो वो मध्य प्रदेश है अगर इससे पहले का पूछेगा तो बोलना वो राजस्थान का नागौर है पहले का पूछेगा तो राजस्थान का नागौर अगर संवैधानिक बॉडी बनने के बाद का पूछेगा तो बोलना क्या बोलोगे तो बोलना मध्य प्रदेश ठीक है चौबीस अप्रैल को मध्य प्रदेश ने यहाँ पर लागू कर दिया था पंचायती राज सिस्टम होलकर ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है होलकर ट्रॉफी देखो नॉर्मली होलकर स्टेडियम मैंने पहले भी बता रखा है तुमको होलकर नाम का जो स्टेडियम है ये तुमको कहां पर मिलेगा ये होलकर स्टेडियम तुमको मिलेगा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के इंदौर नाम की जगह में तुमको होलकर स्टेडियम मिल जाएगा क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस भी हो चुके हैं कई बार लेकिन यहां पर बात हो रही है होलकर ट्रॉफी की जो दिया जाता है जो आयोजन करवाया जाता है जिसका तो ये जो होलकर ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है बोलना ब्रिज नाम के खेल से संबंधित है ये कार्ड से होता है ये वाला गेम यहाँ पे पुल लिखा हुआ है पुल नहीं होगा है ना ब्रिज को तो ब्रिज ही लिखोगे पुल नहीं लिखोगे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो यहां पर मैं लिख देती हूँ ब्रिज है ना ब्रिज ठीक है ये जो ब्रिज नाम का खेल है ये कार्ड से खेलते हैं ठीक है कार्ड से खेला जाता है कार्ड से खेला जाता है तो लोग ताश खेलते हो ताश वैसे तो ताश को इंडिया में काफी अलग ही नजर से देखा जाता है अगर कोई बैठ के ताश खेल रहा है तो उसका मतलब निकाल लिया जाता है कि वो जुआ खेल रहा है है ना ऐसा होता है लेकिन हमेशा ताश खेलने वाले जुआ नहीं खेलते हैं नॉर्मली भी ताश को खेला जा सकता है ठीक है लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ये सब कम ही देखने को मिलता है ब्रिज नाम का जो खेल होता है ना वो ताश के पत्तों जैसा पत्ता होता है उससे खेला जाता है इंडिया में उतना ज्यादा इसका प्रचलन है नहीं इसलिए बच्चों को इसके बारे में उतना मालूम नहीं है लेकिन ध्यान रखना ब्रिज नाम के खेल के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है उसको कहते हैं होलकर ट्रॉफी जो भी थोड़े बहुत लोग ब्रिज का खेल, खेल खेलते हैं ना उनके लिए होता है ये क्रिकेट के लिए तो रणजी ट्रॉफी सबको मालूम है ठीक है रणजी ट्रॉफी उसके बाद सी नायडू कप सीके नायडू ट्रॉफी है ना क्रिकेट के लिए मैंने कई बार बहुत सारे बता रखे हैं बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है थॉमस कप का आयोजन होता है और उबर कप का आयोजन होता है थॉमस कप और उबर कप बैडमिंटन के लिए होता है ठीक है नेक्स्ट देखो ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ब्लैक पर्ल जाने माने खिलाड़ी थे उनका निधन हो चुका है इनके बारे में मैंने एक, एक बार बातों बातों में जब मैं फुटबॉल के बारे में तुम लोग को बता रही थी उस समय पे मैंने उनके बारे में बताया भी था अब पता नहीं कितने बच्चों ने नोट किया था या नहीं किया था या पीडीएफ को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मैंने लिखा भी था ठीक है ब्लैक पर्ल पेले को बोला जाता था पेले नाम के जो पर्सन थे फुटबॉल से रिलेटेड थे फुटबॉल प्लेयर थे ठीक है पेले है ना इनको बोला जाता था ब्लैक पर्ल पर्ल का मतलब होता है मोती ठीक है पल का मतलब होता है मोती ब्लैक कलर का मोती इनको बोला ब्लैक मोती है ना ब्लैक पल फुटबॉल के फुटबॉल गेम से रिलेटेड है फुटबॉल की जब भी बात होती है मैं फीफा के बारे में हमेशा तुमको बताती हूँ फीफा का जो हेड क्वार्टर है ये तुमको जूरिक में मिल जाएगा जूरिक नाम की जो जगह है ये तुमको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगी और फीफा ने भारत को 2024 में रैंक दिया है एक सौ चौबीसवा फीफा में भारत की जो रैंकिंग है वो 124 नंबर की रैंकिंग है ये तुमको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ठीक है और एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अभी अभी का न्यूज़ है ये अभी कुछ महीनों पहले का ही न्यूज़ है फीफा की रैंकिंग से रिलेटेड और अगर हम बात करें कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो सबसे ज्यादा किसने जीता है तो वो भी ब्राज़ील ने जीता है सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है ब्राज़ील ने जीता है ये याद रखना पिछला वाला जब हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने जीता था लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के पास है फीफा का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब स्नूकर की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड चैंपियन रहते हैं पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी जो है वो स्नूकर और बिलियार्ड से रिलेटेड है पंकज आडवाणी ठीक है ना स्नूकर और बिलियार्ड्स स्नूकर और बिलियार्ड्स गेम से रिलेटेड है वन डे वंडर्स नाम की एक बुक है ये जो वन डे वंडर्स नाम की किताब है ये किससे किसने लिखी थी इस किताब को एक पर्सन है जो जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी इनके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है और ये जो जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं इनका नाम अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे इनका नाम क्या है जाने माने ये जो पर्सन है क्रिकेट खिलाड़ी इनका क्या नाम है है ना रवि शास्त्री सुनील गावस्कर, विश्वनाथ या फिर दिलीप वन <clears> डे <throat> वंडर्स सुनील गावस्कर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर होगा इसका सुनील गावस्कर सुनील गावस्कर जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं अभी भी दिखते रहते हैं अगर तुम देखते हो क्रिकेट वगैरह का मैच तो उसमें पवेलियन में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं अभी भी है ना तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑप्शन उप्षय... अच्छा ऑप्शन के बी -सी -सी नाम का जो संगठन है ना जिसका गठन 1928 में किया गया था इसका जो हेड क्वार्टर है ये तुमको मुंबई में मिल जाएगा ये बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के मैच करवाता है और भारत की जो क्रिकेट टीम है उसको मैनेज करने का काम करता है सबसे ज़्यादा पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है ये ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है जो अपनी टीम को सबसे ज़्यादा पैसा देता है इस टाइप का क्रिकेट बोर्ड और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है ठीक है दुनिया में और कोई भी कंट्री नहीं है जिसका क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर हो याद रखना इसको ये हमारे लिए एक आ, क्या कहते हैं अचीवमेंट ही है जो इतने इतना पैसे वाले क्रिकेट बोर्ड के रूप में हमको जाना जाता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया क्या है इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड ठीक है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है ना ध्यान रखना इसको नेक्स्ट <coughs> देखो नेक्स्ट है नाव दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है बोट रेस इज द पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल बोट रेस जो है वो कौन से फेस्टिवल का एक पार्ट है बोट रेस इसमें नाव दौड़ होता है नाव की रेस होती है बोट्स की रेस होती है ठीक है पोंगल ओनम बिहू या फिर नवरात्रि नवरात्रि में तो नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी ओनम होगा इसका आंसर ओनम जो है वो केरल में मनाया जाता है केरल में ओनम नाम का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है केरला इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और इसी केरला में ओनम फेस्टिवल के टाइम पर ऐसी लंबी लंबी नाव होती है जिसमें खूब सारे लोग बैठे होते हैं ठीक है ठीके? और बोट की रेस करवाई जाती है झीलों में और नदियों में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं तुम्हारे और अगर क्वेश्चन आ गया तो मुसीबत फंस जाएगी है ना ओनम पोंगल कहां पर मनाया जाता है पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है तमिल लोग जो है वो पोंगल मनाते हैं अगर तुमने तारक मेहता देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो उसमें अय्यर जो है वो पोंगल मनाते हैं बबीता जी के साथ में बबीता जी वेस्ट बंगाल से हैं और अय्यर जो है उसमें तमिलनाडु से दिखाए जाते हैं जो तमिल रहते हैं ठीक है तमिल लोग पोंगल मनाते हैं याद रखना और ओनम जो है वो केरला में मनाया जाता है और बिहू जो है बिहू असम में मनाया जाता है इस त्यौहार का नाम हर बच्चे को मालूम है ये शायद बताने की जरूरत नहीं थी और नवरात्रि जो है वो ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था चाय और चीनी इन्हीं दोनों पर आखिरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार था कि वो थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेंगे यह अधिकार भी उनसे छीन लिया गया चाय और चीनी पर ट्रेड करने का हुआ क्या था ना कि ये जो इनका जो बिजनेस चल रहा था ना उसमें करप्शन बहुत ज्यादा हो, हो रहा था और अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पावर धीरे धीरे कम कर दिया जाए क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कंपनीज भी भारत में आके व्यापार करना चाहती थी जिसके लिए ब्रिटिश सरकार से वो परमिशन ले रही थी ब्रिटिश सरकार ने बोला कि वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है इनकी वजह से इंडिया में इश्यूज बहुत आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया जो है वो हमारी कॉलोनी ना बनकर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसीलिए पर जो है रेगुलेटिंग uh, सॉरी uh, क्या कहते हैं चार्टर एक्ट अठारह में इनका जो चाय और चीनी जिसको देखो चार्टर एक्ट अठारह में ना इनसे सारी शक्तियां छीन ली गई थी है ना कंपनी से बोला गया था तुम व्यापार व्यापार ज्यादा नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी <coughs> चाय और चीनी का व्यापार नहीं छीना गया था इनसे चाय और चीनी का तो ये फिर भी कर रहे थे लेकिन बाद में 1833 वाला जो अधिनियम आया इसमें चाय और चीनी का व्यापार भी उनके हाथ से छीन लिया गया बोला कि अब तुम ये भी नहीं करोगे चाय और चीन चीन चीनी कह रही हूं चीन है ना चीन चाइना चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार इसका जो एकाधिकार है मोनोपोली है वो नहीं रहेगा एकाधिकार यानी कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता इसका व्यापार अब अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज आने लगी थी ब्रिटिश सरकार ने बोला अब तुम्हारे पास मोनोपोली नहीं रहेगा तुम कर रहे हो ठीक है तुम्हारे साथ साथ दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर व्यापार करेगी तुम्हारा मोनोपोली हम खत्म कर रहे हैं तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अठारह वाला चार्टर इसका आंसर होगा नेक्स्ट देखो गदर पार्टी का आयोजन किसने किया गदर पार्टी ने एक न्यूज पेपर था पहले गदर पार्टी जो है एक न्यूज पेपर था ठीक है गदर गदर एक पेपर था और ये जो न्यूज पेपर था ना इसके फ्रंट पेज में पता है कैसे भयानक भयानक आर्टिकल छपते थे लिखते थे अंग्रेजों का काला चिट्ठा अंग्रेज़ों की काली करतूतें मतलब भयानक भयानक तरीके से गदर न्यूज़पेपर में चीज़ें लिखी जाती थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और ये <coughs> फॉरेन से पब्लिश करते थे सैन फ्रांसिस्को साइट से जो है पब्लिश करके इंडिया में चाइना में जापान में नेपाल में भूटान में अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता था ये न्यूज़पेपर और सब जब पढ़ते थे ना इसके आर्टिकल्स उनको उनका दिमाग खराब हो जाता था क्योंकि अंग्रेजों के बहुत ही इंटरनल चीज़ों के बारे में इसमें लिखा होता था कि अंग्रेज लोग किस तरीके से लूटते हैं सबको और किस तरीके से वो लो लोग योजना बनाते बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें लिखी जाती थी और ये जो न्यूज़ था ये तो चल ही रहा था इससे लोगों के मन में इंडिया में न्यूज़ पेपर पहुँच ही रहा था इंडिया में लोगों के मन में ये भावना तो जाग ही रही थी कि अंग्रेजों को कैसे भी निकालना है यहाँ से न्यूज़पेपर में बहुत कुछ छापा जा रहा था कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं बहुत सी चीजें उसके बाद एक इंसिडेंट हो गया कोमा गाता मारू इंसिडेंट कोमा गाता मारू एक जहाज था जो जापान से एक पंजाबी सरदार ने है ना लिया था ठीक है ताकि आ, जो इंडियन लोग हैं वो लोग फॉरेन में जो कनाडा साइड सेटल होना चाहते हैं वो लोग उस जहाज़ में बैठकर जा सकें एक व्यापारी था है ना उस व्यापारी ने सिख व्यापारी था उस व्यापारी ने जापान से इस जहाज़ को लिया था ताकि इंडियंस और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो लोग शिप में अगर कैनेडा जाना चाहते तो वो जा सके कैनेडा या यूएसए क्योंकि तुमको पता होगा उस समय में लोग इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे थे ठीक है तो कोमागाता मारू नाम का जो जहाज़ था इसको लेकर इशू क्रिएट हुआ जिसके बाद जो है यहां पर गदर रिवॉल्ट हुआ इंड, ए, इंडिया में गदर रिवोल्ट ठीक है गदर मूवमेंट या गदर रिवोल्ट कह सकते हो गदर आंदोलन ये गदर पार्टी के बड़े बड़े नेता इंडिया चले आए थे राज बिहारी बोस को इंडिया में लीडर बना दिया गया उनके साथ में और भी काफी सारे लीडर्स थे साथ में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाखना सोहन सिंह भाखना ठीक है सोहन सिंह भाखना इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक बताओ बहुत फेमस किताब है एग्जाम में भी आ चुका है सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो बुक है इसके जो लेखक थे उनका नाम वही था जिन्होंने वेदों की ओर लॉटो का नारा दिया था वेदों की ओर लोटो ठीक है वेदों की ओर लॉटो जिन्होंने कहा था ना वही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के फाउंडर थे आर्य समाज ठीक है आर्य समाज के फाउंडर और आर्य समाज के फाउंडर थे साथ में ये कहते थे कि जो भी रिचुअल्स होते हैं जो भी तरह तरह की बलि प्रथाएं होती है या जो जादू टोने वाली प्रथाएं होती है वो सबसे दूर रहो मूर्ति पूजा मत करो मूर्ति पूजा करने से भी आर्य समाज रोकता है मना करता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है वेदों को मानो पुराणों को मारो मानो और उसके हिसाब से ज़िंदगी जियो ऐसा इनका कहना था डी स्कूल जितना भी तुम लोग देखते हो ना डी स्कूल वो डी स्कूल इन्हीं के नाम पर हैं इंडिया में अलग अलग जगह पर डी स्कूल है दयानंद एंग्लोवेदिक पब्लिक पब्लिक स्कूल बोलते हैं इसको दयानंद एंग्लोवेदिक पब्लिक स्कूल इसको कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है आसियान का मेंबर इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है आसियान आसियान का फुल फॉर्म मैंने कई बार बता रखा है आसियान का सम्मेलन हाल ही में लाओस में हुआ है 2024 वाला ठीक है ना लाओस में आसियान का सम्मेलन हुआ है जहां पर इंडिया ने भाग लिया था क्योंकि आशियान और इंडिया का सम्मेलन था एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म लिख लेना एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आशियान का फुल फॉर्म है इसका जो हेड क्वार्टर है वो तुमको जकार्ता में मिल जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में है ठीक है ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर सी साउथ कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है भारत को बुलाया जाता है इसका मीटिंग अटेंड करने के लिए सोच लो भारत की कितनी अहमियत है इसका मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया को बुलाया जाता है समझ रहे हो इंडिया की अहमियत बहुत ज्यादा हाल हाल जनरल ने इंडिया में स्थायी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी देखो वैसे तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम बहुत सारे थे भू राजस्व प्रणालियां ना बहुत ज्यादा थी बहुत सारी थी भू राजस्व प्रणाली ठीक है भू राजस्व प्रणाली भारत में वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन अगर तुमसे नाम पूछा जाए तो बोलना परमानेंट सेटलमेंट ठीक है परमानेंट सेटलमेंट इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं तो स्थाई बंदोबस्त है ना स्थाई बंदोबस्त था दूसरा तुम्हारा था आ, क्या कहते हैं चार्ल्स रेड वाला तुम्हारा भूल गई यार मेरे को याद नहीं आ रहा है चलो याद आएगा जब मैं तो बता दूंगी ठीक है ना परमानेंट सेटलमेंट स्थाई बंदोबस्त जो था ना ये 1793 में शुरू किया गया था ठीक है समझ गए 1793 में शुरू किया गया था इससे जो हमारे खेती किसानी करने वाले जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे को हाँ एक था महलवाड़ी सिस्टम और एक था रैयत सिस्टम याद आ गया रैयतवाड़ी सिस्टम रैयतवाड़ी प्रणाली और तीसरा था महलवाड़ी प्रणाली महलवाड़ी प्रणाली इनमें से स्थाई बंदोबस्त जो था वो सबसे ज्यादा चला था ये दिया गया था लॉर्ड कॉर्न के द्वारा ठीक है इसके तहत राजस्व इकट्ठा किया जाता था जो किसान वगैरह जो थे पीजेंट वगैरह जो थे वो लोग जो खेती किसानी करते थे उससे जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो रेवेन्यू जमींदार के पास जाता था और ज़मींदार इसको डायरेक्टली जो है पास करते थे ब्रिटिशर्स के पास बताओ हैलो फाइट ग्रो होता है कहां पर हेलो फाइट फाइट मतलब पौधा फाइट का मतलब क्या पौधा फाइट शब्द का मतलब क्या होता है प्लांट होता है प्लांट ठीक है प्लांट हेलो को अगर तुम लोग बोलोगे हेलो तो यहां पर सलाइन वाटर से इसको जोड़ सकते हो सलाइन वाटर से इसको जोड़ सकते हो नमकीन पानी में या नमकीन मिट्टी में जैसे मान लो समुद्री क्षेत्र में जो मिट्टी होता है ना उस आ, मिट्टी में ये वाले पौधे उग सकते हैं इनको दिक्कत नहीं होता है उन पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है समझे डाउट हो तो पूछ सकते हो है ना नेक्स्ट <coughs> <Next>, देखो <coughs> भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है इंडिया में सबसे कम शहरी आबादी कौन से राज्य में है अगर पूछा जाएगा तो मैंने यह बताया भी था सबसे कम शहरी आबादी तुमको सिक्किम में मिलेगी शहरी आबादी आबादी नहीं शहरी आबादी की बात हो रही है ठीक है सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक और सिक्किम जो है यह भूटान और नेपाल के बीच में बसा हुआ है भूटान नेपाल एंड तिब्बत तिब्बत जो चीन के कंट्रोल में है इनसे बॉर्डर बनाता है ये इनसे ये बॉर्डर बनाता है ठीक है मतलब सिक्किम तीन देशों से घिरा हुआ है, भूटान नेपाल और तुम्हारा जो है चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं जातक कथा नहीं होगा अभिधम पितक नहीं होगा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है ठीक है इसमें इससे पूछ रहा है बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के जो उपदेश है वो किस में शामिल है तो उपदेश की बात आएगी तो बोलना ऑप्शन नंबर डी पिटक में देखो त्रिपिटक में सूत पिटक आता है विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है इनके अलावा और कुछ नहीं आता है इनके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आए तो वो गलत हो जाएगा जैसे जातक स्टोरी जातक स्टोरी में बुद्ध भगवान के पुराने जन्मों में कौन कौन से रूप में उन्होंने जन्म लिया था इस बारे में दिया गया है अलग अलग स्टोरीज दी गई है ठीक है ये कहानियां हैं बुद्ध भगवान से रिलेटेड जातक स्टोरी कभी भी जैन भगवान से रिलेटेड नहीं होगा ये याद रखना बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा खैर यहां पर सुत पीटक इसका आंसर होगा ये भी थोड़ा सा याद रखना <coughs> निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार शुरू किया था मंडी सिस्टम शुरू किया था इन्होंने शाहनाए मंडी नाम का पोस्ट भी बनाया गया था शाहनाए मंडी ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ठीक है ना मार्केट को लेकर मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे मार्केट रिफॉर्म्स बाजार में सुधार मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल के दौरान विदेश मंत्री को किस नाम से शिवाजी के टाइम पे ना अष्ट प्रधान हुआ करते थे यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे कैबिनेट सिस्टम लागू किया था इन्होंने जैसे आज हम लोग कैबिनेट सिस्टम देखते हैं ना कैबिनेट में अलग अलग मंत्री नहीं होते हैं गृह मंत्री विदेश मंत्री डिफेंस मिनिस्टर होम होम मिनिस्टर वगैरह ये सब होते हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर सुमंत बोला जाता था फॉरेन मिनिस्टर को उस समय पे जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे यानी कि विदेशों का जो भी मैटर देखते थे उनको सुमंत बोला जाता था ये याद रखना थोड़ा सा <laughs> है ना नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने शैक्षिक सुधार देखो इन चीज़ों में ना हमेशा अकबर ही आगे रहते थे जहांगीर जो थे जहांगीर थोड़ा सा आ, क्या कहते हैं पेंटिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते थे पेंटिंग करना है ना पेंटिंग वेंटिंग बनाना वो सब उनको ज़्यादा पसंद था तो पेंटर्स खूब सारे जहांगीर के टाइम पे हुआ करते थे शाहजहां के टाइम पे किला महल ये सब बहुत मस्जिद ये सब बनवाने पर आर्किटेक्चर में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में लेकिन अकबर जो थे ना वो पढ़ाई उसके बाद में अलग अलग धर्मों के बारे में अच्छे अच्छे ज्ञान लेना अलग अलग भाषाओं के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सीखना ये सारी चीज़ों को ये किया करते थे तो ध्यान रखना एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड यही होगा है <coughs> ना? बाकी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो ये रिवीजन सेशन था जितने भी क्वेश्चन हमने आज तक किए हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड था और आ, अभी तीन नवंबर तक अपन रिवीजन सेशन ही लेकर चलेंगे ठीक है उसके बाद चार नवंबर से नॉर्मल आपकी जो क्लासेस हैं जिसमें पोल लगाया जाता है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अभी मैं पोल इसीलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अपन रिवीजन सेशन लेके चल रहे हैं ठीक है ना तो मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच